हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है तो इस वीडियो में मैं आज आपको वो सारे रूल समझाऊंगी जिनको समझकर आप इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स वाले रूल्स ही अप्लाई होंगे आपको कोई नया रूल याद करने की जरूरत नहीं है इसमें अगर दो में से एक जो नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर है तो जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव ही होगा जैसे कि टेन डिवाइडेड बाय नेगेटिव टू अब देखिए इसमें से जो एक इंटीजर है वो नेगेटिव है तो हम करेंगे ऐसे डिवीजन नाउ टेन डिवाइडेड बाय नेगेटिव टू इज फाइव और इसमें से एक इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर आएगा नेगेटिव फाइव ठीक है वही रूल जो अभी हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में करा था वही रूल हमने यहां भी फॉलो करा है अब फ्रेंड्स अगर दोनों ही जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यस पॉजिटिव इंटीजर आएगा फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव एटीन डिवाइडेड बाय नेगेटिव थ्री तो देखिए यहाँ पे दोनों जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव हैं। नाउ 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6 तो हमारा आंसर जो होगा वो 6 ही होगा पॉजिटिव होगा जो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन है ना फ्रेंड्स ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे ठीक है तो कोई हमने नया रूल याद करने की हमें इसमें जरूरत नहीं है वही जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स हैं वही अप्लाई करने हैं हमने डिविजन ऑफ इंटीजर्स में भी अब आइए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इवेलुएट दिस अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये इसको इवेलुएट करना है यानी इसे सॉल्व करना है पहले जो हमें ब्रैकेट में एक्सप्रेशन गिवन है हम उसे सॉल्व करेंगे तो इसे फ्रेंड्स हम समझने के लिए ऐसे लिख लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू थ्री अब इधर फ्रेंड्स एक ही नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन रहेगा तो हमारा आएगा नेगेटिव थ्री नाउ नेगेटिव थ्री डिवाइडेड बाय थ्री अब इसे भी समझने के लिए हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं अब थ्री डिवाइडेड बाय थ्री इज वन और एक नेगेटिव साइन है तो वो रहेगा तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव वन तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर नेगेटिव है तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हों तो जब हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इधर देखिए हमें दो ब्रैकेट्स गिवन है तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स में फ्रेंड्स हमें एडिशन करनी है एडिशन गिवन है सो लेट सॉल्व इट नेगेटिव सिक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री अब नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं इसमें भी एडिशन है नेगेटिव एट प्लस टू इक्वल्स टू नेगेटिव सिक्स अब हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है तो फ्रेंड्स देखिए जो दोनों नंबर्स हैं दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं तो एक तो पहले सबसे पहले नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल कर लेते हैं ये कैंसिल हो गया नाउ थ्री टू सिक्स तो हमारे पास आंसर आया टू ठीक है टेम्परेचर एट ट्वेल्व नून वाज टेन डिग्री सेल्सियस अब जीरो तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम साथ साथ समझते चलते हैं देखिए हमें दिया हुआ है की 12 नून यानी दिन के दोपहर के बारह बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अब जीरो देखिए अब गिवन है तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है पॉजिटिव है ये है प्लस टेन डिग्री सेल्सियस ये बात आपको समझनी है इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ टू डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिड नाइट एट वॉट टाइम टेम्परेचर भी एक डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि रात होते होते अगर ये टेम्परेचर गिरना शुरू होता है हर घंटे दो डिग्री सेल्सियस ये गिरता है कब तक रात के बारह बजे तक मिडनाइट यानी रात के बारह बजे तक तो किस वक्त किस टाइम पर ये टेम्परेचर होगा एक डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो पे देखिए हमें टेम्परेचर पूछ रहे हैं बिलो जीरोट डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो बिलो जीरो का मतलब है फ्रेंड्स नेगेटिव ये जो एट है ये अब होगा नेगेटिव एट तो हमें ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अगर ये टेम्परेचर रात के 12 बजे तक हर घंटे दो डिग्री सेल्सियस गिरता है तो किस वक्त टेम्परेचर होगा नेगेटिव एट डिग्री सेल्सियस एक तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट टेम्परेचर एट मिड नाइट रात के बारह बजे क्या टेम्परेचर होगा तो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स तो आइए पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि रात के बारह बजे कितना टेम्परेचर होगा ये ज्यादा आसान है कैलकुलेट करना सो हेयर वी आर गिवन टेम्परेचर एट ट्वेल्व नून इक्वल्स टू टेन डिग्री सेल्सियस ठीक है ये पॉजिटिव है अब हमें दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि भाई हर घंटे कितना टेम्परेचर गिर रहा है रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर इज नेगेटिव टू डिग्री सेल्सियस तो फ्रेंड्स देखिए हमें मिड नाइट पे टेम्परेचर पूछ रहे हैं तो दिन के बारह बजे से रात के बारह बजे तक कितने घंटे होते हैं कितने हुए यस ट्वेल्व आवर्स तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इन बारह घंटों में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है यानी कितना टेम्परेचर गिरा है वो कैसे करेंगे हम ट्वेल्व इन बारह घंटों में इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है इतना टेम्परेचर गिरा है तो रात के बारह बजे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा टेम्परेचर एट ट्वेल्व नून प्लस चेंज इन टेम्परेचर तो दिन के बारह बजे टेम्परेचर गिवन है टेन डिग्री सेल्सियस और उसमें हम एड कर देंगे जो अभी हमने चेंजिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करा है नेगेटिव ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस तो इसे सॉल्व करा तो हमारे पास आया टेम्परेचर एट मिड नाइट इज नेगेटिव फोर्टीन डिग्री सेल्सियस ठीक है तो रात के बारह बजे का टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिया है अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर भी एक डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमें टेम्परेचर कहा जा रहा है एट डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो इसका मतलब है नेगेटिव एट डिग्री सेल्सियस ठीक है तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें देखना पड़ेगा कि भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा तो ये जो फाइनल टेम्परेचर गिवन है फाइनल टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर जो हमें दिन के बारह बजे गिवन था टेन डिग्री सेल्सियस तो हम ये करेंगे नेगेटिव एट डिग्री सेल्सियस माइनस टेन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू नेगेटिव एटीन डिग्री सेल्सियस तो ये जो है ये है चेंज इन टेम्परेचर अब हमें फ्रेंड्स गिवन है कि भाई जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक घंटे में वो होता है ये नेगेटिव टू तो नेगेटिव एटीन डिग्री टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो कितने घंटों में होगा उसके लिए हम ऐसे यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे एंड इट वुड बी वन डिवाइडेड बाय नेगेटिव टू मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 18 तो ये मुझे बताएगा कि भाई कितने घंटे में ये नेगेटिव 18 डिग्री जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वो कितने घंटे में हो रहा है तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं टू इंटू नाइन इज एटीन और ये जो नेगेटिव नेगेटिव साइन है ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाता है नाइन आवर्स तो यानी नौ घंटों में ये चेंज टेम्परेचर इतना हो रहा है सो so, टाइम फ्रॉम ट्वेल्व नून मतलब नौ बारह बजे के बाद हम नौ घंटे एड करेंगे तो वो कितना टाइम आ गया नाइन पी एम यानी कि रात के नौ बजे टेम्परेचर होगा एट डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आपको एक बार में यह समझ नहीं आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखें और इसे अच्छी तरह से समझ लें